हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आपके साथ मैं हूँ सुरजीत। तो इस वीडियो पे हम ऐसी चीज का अनबॉक्सिंग करके देखेंगे जिसकी बिना किसी भी इमरजेंसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो ही नहीं सकता। क्या है गेस कर सकते हो? वो है इमरजेंसी किट या फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसके अंदर क्या क्या हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। बेसिकली हम हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को सूट लगे या छोटे मोटे एक्सीडेंट हो तब इसे यूज किया जाता है, लेकिन आजकल तो हर घर पे यूज करते हैं किसी भी इमरजेंसी या सेफ्टी के लिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, उससे पहले आप वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह के मेडिकल टिप्स और हेल्थ रिलेटेड इश्यू सबको समझने लगे इसी चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले दिया है पील बॉक्स, और यहाँ पे राउंड 7 डेज का पील बॉक्स दिया है जिसके अंदर डॉक्टर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो हम रख सकते हैं यहाँ पे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे करके। इससे कोई भी मेडिसिन भूलने का चांसेस भी कम होता है। तो और यहाँ पे देख सकते हो एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया है, और यहाँ पे गॉस स्वेप है, अगर ऊन वगैरह हो तो इसे क्लीन किया जाता है। यहाँ पे कॉटन स्वेप है, यहाँ पे भी गॉस दिया है, इसके अंदर भी गॉस है, 2 गॉस दिया है। यहाँ पे बैंडेज से फुल्ली देख सकते हो। यहाँ पे पैरासीटामोल दिया है, अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लगने के बाद बुखार वगैरह हो तो इसे यूज किया जाता है, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ। और यहाँ पे डेस्प्रिन दिया है, पेन बेसिकली पेन फीवर के लिए भी इसे भी यूज किया जाता है। यहाँ पे सीजर दिया है, अगर ऊन वगैरह ज़्यादा हो तो उससे यूज करते हैं कटिंग वगैरह के लिए। यहाँ पे थर्मोमीटर दिया है बुखार वगैरह चेक करने के लिए, या फिर सेलोटेप जैसा है मेडिकल ली। यहाँ पे भी बैंडेज दिया है, आयोडीन ऑइंटमेंट है, और उसके बाद यहाँ पे पेन रिलीफ जेल है। अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया तो हो गए हैं कि एक फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या है, और आगे भी इसी तरह के मेडिकल टिप्स और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। थैंक यू।